हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह IAS चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने IAS की प्रिपरेशन को द बेस्ट करने के लिए। आज हम बात करेंगे करंट की। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में प्रॉमिस किया था कि मैं करंट आप लोगों को बताऊंगा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। मन में दो तरह के डाउट्स होंगे। पहला डाउट यह है कि करंट से क्वेश्चन आता है क्या। दूसरा डाउट यह है कि पता नहीं इस बार आएगा, 3 आएगा कि 10 आएगा कि 20 आएगा कि 30 आएगा या नहीं आएगा, है कि नहीं। लेकिन आ गया 20 तो क्या करेंगे, 30 आ गया तो क्या करेंगे। यानी कि जो प्रिपरेशन करते हैं उनकी पूरी तैयारी उसी हिसाब से होनी चाहिए। पीटी होने के लिए मैं फिर से रिपीट करूंगा, जिनका बिहार स्पेशल बहुत ही उम्दा होगा, कमांड होगा उनका, और जिनका करेंट कमांड होगा वही पीटी निकाल पाएंगे। इसके अलावा ये दोनों को इग्नोर करने वाले का कभी प्रीलिम्स नहीं होने वाला है, क्लियर। ये दोनों पे कमांड होना ज़रूरी है, अदरवाइज नहीं होगा। जिन्होंने करेंट्स के लिए जितने भी मैगजीन्स हो सकते हैं सभी मैगजीन्स को पढ़ा होगा, छोटा से लेके बड़ा से, पतला से लेके मोटा तक, उनका रिजल्ट नहीं होने वाला है। रिजल्ट जो होने के लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो है सबसे पहले स्टैंडर्ड मैगजीन या स्टैंडर्ड जो बुकलेट आई है या फिर आपका वार्षिकांक आया है वहीं से रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब करने का तरीका यह हो सकता है, कई लोगों से मैंने मॉर्निंग से मैं बात कर रहा हूँ उससे मुझे ऐसा ही लग रहा है कि उन्होंने सब में पढ़ा है, सब में टिक लगा दिया है, ठीक। ऐसा होता है ना, सेम फैक्ट हमको मिला है वहाँ भी और यहाँ भी, और सबको हमने पढ़ लिया है। मंथली मैगजीन है उसको भी हम लोग पढ़ते हैं, या फिर एग्जाम आएगा तो फिर पढ़ेंगे। अभी क्या करेंगे, खरीद खरीद के रखेंगे, ठीक है, ऐसा ही है ना। और ऐसे ही खरीद खरीद के रखने वाले कभी सफल नहीं हो सकते हैं, उनको जब तक पढ़ेंगे नहीं। अब आ जाते हैं सेकेंड फैक्ट की तरफ, 2 महीना टाइम है, लास्ट में करंट पढ़ेंगे तो दिसंबर तक कवर कर लेंगे। अभी पढ़ने का क्या फ़ायदा, अभी तो चल रहा है नवंबर, है कि नहीं। तो करंट पढ़े कहाँ से, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना, पिछले साल का, इस साल का कहाँ से पढ़े, यह भी आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन का जो है कहाँ कहाँ से आता है। टोटल क्वेश्चन देखेंगे तो BPSC के लास्ट 10 ईयर्स में क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड रहा है वो करेंट का मिनिमम 3 क्वेश्चन और मैक्सिमम जो है 30 क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग एवरेज मान के चल सकते हैं कि हम लोगों को 10 से लेकर 20 क्वेश्चन तक करेंट से आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो हम ये मान लें कि 10 से 20 क्वेश्चन करेंट से आएगा, 3 से लेकर 30 क्वेश्चन तक का वेरिएशन रहा है लास्ट 10 इयर्स में। अब ये 10 से 20 क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यही आपको रिजल्ट दिलवाएगा, ठीक है। तो एक एक करके हम आप लोग जो पढ़ रहे हैं मैगजीन्स उसकी चर्चा करेंगे और किस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं सबसे पहले जो मैगजीन है जिसको कि आप लोग पढ़ते हैं वो है प्रतियोगिता दर्पण, ठीक है। ये मंथली मैगजीन है, मंथली मैगजीन को आप लोग यूज करते हैं। प्रतियोगिता दर्पण में पढ़ने के लिए जो पेजेज है वो बहुत है, लेकिन पढ़ना होता है शुरू का जो 10 पेज का कंटेंट है उसी को देखते हैं, जिसमें कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिक, राजकीय और पुरस्कार, खेलकूद समाप्त, ठीक है। तो इसको पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखना है कि आपको मंथली के हिसाब से देखेंगे तो मैक्सिमम जो फैक्ट हो सकता है 10 से 15 से ज़्यादा फैक्ट नहीं हो सकता है, 10 से 15 फैक्ट को ही इसमें से देखना है, इससे ज़्यादा आप लोगों को नहीं देखना है, क्लियर कट। तो 10 से 15 फैक्ट को जो लोग मंथली मैगजीन पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा कि जो बॉक्स में कलर्ड किया हुआ रहता है इसमें से पढ़ना है उसी को पढ़ना है। ख़ास तौर से इसका खेल पुरस्कार बहुत अच्छा है, राष्ट्रीय घटनाक्रम अच्छा है, आर्थिक को बिल्कुल नहीं देखना है, दर्पण में से नहीं कोई फायदा है, ठीक है। राज की जो घटनाएं, राज की जो सूचनाएं, राज की जो समसामयिकी है नहीं देखना है, इसका राष्ट्रीय वाला चैप्टर जो है उसमें से देख लेना है
और खास तौर से खेल कूद पुरस्कार वाला जो एरिया है इसका बीपीएससी का अच्छा है, ठीक है, बीपीएससी के लिए। अब साथ में मैं यही बताऊंगा कि जिन्होंने नहीं लिया मैगजीन अभी तक तो क्या करें, ये इंग्लिश मीडियम हिंदी दोनों में, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, पीडी प्रत्यर्पण के नाम से है। वार्षिकांक जो है आती है, अर्धवार्षिकांक, वार्षिकांक जो है आने वाली है, वार्षिकांक से भी कर सकते हैं कवर, ठीक है। अब मन में यह होगा कि फिर इसी से पढ़ना है, बाकी हमने तो दूसरा मैगजीन पढ़ा है, चिंता की बात नहीं है। जिन्होंने इस मैगजीन को नहीं पढ़ा है तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने विजन तो पढ़ा होगा, ठीक है। अब विजन जो है डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपके फ्रेंड हैं उनसे मंगा सकते हैं, उससे पढ़ सकते हैं। विजन में बहुत डिटेल है, 365 डिग्री कहते हैं उसके हिसाब से, 365 का जो होता है मंथली मैगजीन भी है, सब्जेक्ट वाइज भी है, लेकिन यह है काफ़ी डिटेल्ड। तो जिनका तैयारी हो गया है वही इसमें हाथ लगाइएगा, अदरवाइज मेरी राय में इसको अभी टच करने का समय नहीं है, या फिर जो फैक्ट वगैरह जो है वो उसी पे फोकस करना है, जो हाइलाइटेड फैक्ट्स है जो बॉक्स में दिया गया है आप उन्हीं फैक्ट को देखेंगे, साथ ही जो फैक्ट है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी, सपोज डेट की अगर नोबेल पुरस्कार का आता है तो किसको मिला, किस लिए मिला, इसके आगे उसमें किस लिए मिला वाला जो है उसके उसका पोस्टमार्टम नहीं करना है कि क्या क्या किया था, कैसे कैसे हुआ था, वो चीज़ें मिलेगा इसमें, वो यूपीएससी का है चीज़, ठीक है। आपको यह जानना जरूरी है कि किसको मिला है यह इम्पोर्टेंट है, किस लिए मिला है यह भी इम्पोर्टेंट है, ये दो चीज़ों को छोड़ के तीसरा चीज़ इसमें आपको डिटेल मिलेगा तो छोड़ दीजिएगा। तो आप केवल क्या है इसका हेडिंग वगैरह को देखते हुए आप विजन को देख सकते हैं, लास्ट में हम आपको बताएंगे कि क्या करना है, आप लोग बहुत दुविधा में हैं। तो ये एक आपके सामने है ऑप्शन जिसको कि आप कर सकते हैं। लास्ट जो मेरे पास सामने ऑप्शन आता है वो है परीक्षा मंथन वाली, ठीक है। इसमें भी जो है आपका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र आर्थिक सहित पर्यावरण बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई है, ठीक है, आप इससे कर सकते हैं। अब रही बात इसके अलावे, मेरी राय में इसके अलावा कोई भी मैगजीन करेंट के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है, ताकि आप लोगों के डाउट्स मन में जो है वो दूर हो जाए कि इसके अलावे हम और कौन सा मैगजीन देख सकते हैं। जिन्होंने क्रॉनिकल पढ़ा है द बेस्ट, नो प्रॉब्लम, बट क्रॉनिकल के आगे हम नहीं बोलेंगे कि आप कोई और भी कोचिंग का क्लास का नोट्स मटेरियल लिए होंगे वो फ़ायदा आपको पहुंचा पाएगा, ठीक है। इसी के आधार पे मार्केट में कम से कम जो है 30-35 ऐसे करेंट अफेयर्स आ गए हैं जो कि आपको पढ़ाता है। अब आप लोगों को कहाँ कहाँ लुभाता है वो मैं बताता हूँ। जो मैगजीन करेंट के लिए जितनी पतली होती है वो हमें ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि हम हैं ना ना काम छोड़ है, कम पढ़ना है और पहले से रेडी है कि हमको नहीं करना है, एग्जाम नहीं देना है, मतलब फेल करना है। कभी भी क्वालिटी जो है वो वैसे नहीं होता है, आपने क्वालिटी पहले ही कंप्रोमाइज कर दिया, आप छोटा सा थैला लेके गए उसमें कितना आप सब्जी लेके आइएगा, इसलिए ज़रूरी होता है कि आपको बड़े लेवल पे उसको देखना चाहिए। पतला मैगजीन का मतलब वो ये नहीं होता है कि आपको ऊपर लिख दिया 100 क्वेश्चन बुलेट पॉइंट 100 क्वेश्चन में हो जाएगा, 20 चैप्टर में हो गया, कुछ कर दिया, कुछ क्वेश्चन आपने करेंट का बना लिया उससे हो जाएगा, नहीं होगा। करेंट का क्वेश्चन बनाने के बजाय ना पूरे मॉडल सेट 150 क्वेश्चंस का ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को बनाना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने जो है बस मैगजीन में करेंट का बना रहे हैं, करेंट का देख रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो है टूटा फूटा यहाँ वहाँ से फैक्ट उठाया जाता है। अब हमेशा जो है वो एक क्रमबद्ध रूप से ही पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ाई का तरीका क्या है कि हमने तो सभी मैगजीन पढ़ लिया, क्यों पढ़ा, पिछली बार प्रीलिम्स नहीं हुआ था तो इस बार खूब पढ़ना है। पिछली बार प्रीलिम्स 2 नंबर 4 नंबर 10 नंबर से कम हो गया था तो इस बार सारा करेंट को पढ़ जाएंगे, जितने मैगजीन्स हैं पढ़ जाएंगे, या मैंने जो बताए होंगे वही 3 पढ़े होंगे, या फिर क्रॉनिकल को ऐड कर लें 4 पढ़े होंगे या 2 पढ़े होंगे, और सभी को पढ़े होंगे और सभी को हाईलाइट किया होगा, सेम फैक्ट होगा, चाहे वो टोक्यो ओलंपिक का हो, पैरालंपिक का हो, कोई भी हो, सेम फैक्ट को यहाँ भी कलर कर रहे हैं, यहाँ भी टिक लगा रहे हैं, वहाँ भी टिक लगा रहे हैं, सब 3 मैगजीन 3 जगह, बिहार स्पेशल में भी आप लोग यही किए होंगे, कोई फैक्ट छूटने ना पाए, तो आपने सभी जगह टिक लगाया, सब जगह आपने कलरिंग किया, आपका वेस्टेड आपका टाइम जो है वेस्ट हो गया। एक मैगजीन को करेंट अफेयर्स के कोई भी एक मैगजीन को एटलीस्ट 5 टाइम्स पढ़ना है, पहला 5 टाइम्स पढ़ने के साथ ही इसको पीयर लर्निंग ग्रुप में इसकी डिस्कशन करनी है,
दो तीन चार फ्रेंड के साथ बैठ के दो तीन घंटे का कम से कम 5 डेज जो है कंटिन्यू बातचीत करनी है, उसके बारे में पूछताछ करना है। जब वह मैगजीन पे आपका कमांड हो जाता है, सपोज डेट कि आपने विजन का कर दिया या परीक्षा मंथन का किया या फिर दूसरे मैगजीन का, तब जाके दूसरे मैगजीन को उठाना है। क्लियर? जब तक एक पे कमांड नहीं होगा दूसरे को टच नहीं करना है। कमांड 100% याद हो गया तो दूसरा उठाना है, और दूसरा में उन्हीं फैक्टों को केवल ध्यान देना है जो फैक्ट यहाँ नहीं है, नया फैक्ट आ गया केवल उसको केवल लगाना है हाईलाइट। तो वैसे चांसेस जो है 10% पूरी की। अच्छा, पढ़ने में मजा आएगा। क्या मजा आएगा कि एक आपने पूरी आपने करंट पढ़ लिया है, दूसरा पढ़िएगा तो लगेगा अरे ये तो जान रहे हैं, अच्छा इसको ये भी पता है, मुझे ये भी पता है, तो आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ जान रहे हैं। और उसमें नया चीज़ जैसे आएगा वहाँ पर टिक लगाइएगा रेड पेन से और आगे बढ़ते जाइएगा। पूरी किताब को देखिएगा, मैक्सिमम 10-15-20 जगह ही आपको केवल रेड पेन से टिक रहेगा, बाकी सभी के सभी पढ़ा रहेगा, तो आपको आनंद भी महसूस होगा, अच्छा मुझे तो पता है। और वही 20 जो नई फैक्ट आई है उस फैक्ट को अपने ओरिजिनल मैगजीन में फिर से लिख लेना है और उसको कर देना है साइड। क्लियर? तब जो है अगर टाइम है तो तीसरा पे जाइए, अदरवाइज दो पे ही रह के रुक जाइए। यह तरीका न केवल स्पेशल बिहार करेंट के लिए बल्कि बिहार स्पेशल में यही करना है कि अगर आपने केबीसी नैनो पढ़ा है ओके, क्राउन पढ़ा है ओके, इम्तियाज अहमद सर की बुक्स पढ़ी है ओके, बट ये एक को कम से कम 5 टाइम्स पढ़ के उसके सारे फैक्ट को याद करने के बाद ही नए मैगजीन या नए जो बुक्स है उसको देखिए, उसमें से जो लगेगा नया उसको पुराने और ओरिजिनल जिसमें कि आपने पूरी मेहनत की है 5 टाइम्स उसमें नोट डाउन करना है, उसको साइड करना है। ये चीज़ें बाकी सब्जेक्ट पे भी लागू होता है सेम। क्लियर है? अब क्या है कि आपके मन में बहुत सारे फैक्ट है, छोटा है बड़ा है, बहुत सारे फैक्ट वगैरह आते हैं, तो फैक्ट के हिसाब से क्या करना है कि आपको कुछ चीज़ें जो है मैंने लिख के मैंने लाए हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को कुछ आइडिया मिले कि क्या क्या जरूरी होता है। करेंट में क्या होता है कि वैसे करेंट होते हैं जो करेंट हमें प्रभावित करता है। इंडिया को अगर प्रभावित किया है कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी समझौता वगैरह, तो ही वो फैक्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वो चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। राष्ट्रीय में भी ऐसी जैसी चीज़ें जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। और देखिए क्या है कि आपको एट लिस्ट जो है अगर देखेंगे सिलेक्शन के हिसाब से, अगर पूरा फैक्ट की बात करें तो अगर आप फैक्ट अराउंड 500 फैक्ट भी याद करते हैं आपका करेंट का तैयारी हो जाता है, ठीक है। आप इस हिसाब से अगर क्वांटिटी के हिसाब से देखते हैं तो वो एक तरीका है, चैप्टर के हिसाब से देखते हैं तो मैक्सिमम 50 चैप्टर आपको पहले से पता हो, 50 चैप्टर्स को अगर आप टारगेट कर लेते हैं तो आराम से उसमें से 30 क्वेश्चंस भी आते हैं, सभी के सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब बोलेंगे एक जगह पढ़ रहे हैं COVID-19 क्या है, दूसरे जगह RT-PCR पढ़ रहे हैं, तीसरे जगह पहले कहाँ आया था, चौथे जगह इंडिया में आर्थिक क्या क्या पैकेज आया था। वैसे नहीं होता है, जब COVID-19 पढ़ रहे हैं सारे फैक्ट एक जगह ही होना चाहिए, ठीक है। जब हम योजना को पढ़ रहे हैं तो सारे योजना एक ही जगह होनी चाहिए, उसकी रीजन क्या होती है, कंपेयर करने में आसानी होता है, याद जल्दी होता है, अदरवाइज यहाँ 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 भागते रहेंगे। और ये भागने का सिलसिला हो सकता है यदि आप अगर बहुत सारे मैगजीन पढ़ते हैं या फिर स्टैंडर्ड मैगजीन नहीं पढ़ेंगे तो होगा। जैसे अब देखिए कुछ कुछ फैक्ट मैं बताता हूँ, जैसे 105वां संविधान संशोधन, अच्छा पढ़ने का कई जगह लोगों ने क्या किया है कि एनवायरमेंट इकोलॉजी आर्थिकी कर दिया है, राष्ट्रीय कर दिया, अंतर्राष्ट्रीय कर दिया है, खेल कर दिया है, राज्य का कर दिया, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो 105वां संविधान संशोधन, ये क्वेश्चन आने की संभावना है। COVID-19 के जितने भी डिटेल्स हो सकते हैं RT-PCR से लेकर जितने भी हो सकते हैं वो सब एक ही जगह आपको फैक्ट रखना है, एक चैप्टर हो सकता है। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसको बाद में नेशनल एजुकेशन NEP 2020, इससे संबंधित जितना भी फैक्ट हो सकता है एक साथ कर लेना चाहिए। ये आपको यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, पेगासस आप लोग जानते हैं यहाँ से आएगा, जल जीवन मिशन योजना बिहार भारत सरकार की जो है उसमें आएगा, निपुण राष्ट्रीय योजना है वो आएगा, टीकाकरण की नहीं आई है, जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए जितने फैक्ट हो सकते हैं, जो राज्य बना केंद्रशासित प्रदेश बना और परिसीमन हुआ, ठीक है, जनगणना 2021 इससे जुड़े हुए मैंने लास्ट टाइम बताए थे कि छोटा बड़ा कितना एवरेज है, अभी चूंकि हुआ नहीं है इसलिए 2011 पे ही हम लोग चलेंगे। आर्थिक बजट और सर्वे जो है वो देखना है, जो देखने का तरीका यही है कि उसमें दो बॉक्स वगैरह में दिया हुआ है उसके हिसाब से चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट जो है महत्वपूर्ण है, ठीक है,
बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट है, जैसे भारत की स्थिति क्या है, देखे होंगे चार पांच टाइप के होता है, UNDP से लेकर बहुत सारे, तो उसको क्या करना है कि जितने भी मैगजीन पढ़ते हैं उसमें भारत की स्थिति कौन से रिपोर्ट्स में कहाँ पे है एक जगह कलेक्ट करके रख लेना है, उसके स्टडी टेबल के सामने चिपका देना है, तो एक आपकी पोजीशन पता चलेगा, उससे क्या होगा कि आपको याद रहेगा, अच्छा ये बिहार का एग्जाम है, इसमें कभी भी नहीं पूछेगा पाकिस्तान का, श्रीलंका का और फिर बांग्लादेश का पोजीशन क्या है, नो नवी नेवर, ये UPSC के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, बिहार में इतना ही तक आएगा पोजीशन क्या है, ठीक क्लियर। उसी तरह सोशल मीडिया OTT वगैरह जो आया है अभी हाल में इतना सारा हो रहा है, अब यहाँ जब हम सोशल मीडिया की बात करेंगे तो फेसबुक का जो नया आया है, हाँ, तो उसके सारे फैक्ट वगैरह जो है जुकरबर्ग से लेकर सभी कुछ आपको एक ही जगह होना चाहिए, क्लियर है ना। इसमें सबसे अधिक यूज जो है सोशल मीडिया में किसका किया जा रहा है, नो व्हाट्सएप फेसबुक का नहीं हो रहा है, ठीक है। सबसे पहला जो है व्हाट्सएप है, दूसरा है फेसबुक, तीसरा है इंस्टा, चौथा है ट्विटर, नहीं नहीं तीसरा जो है वो यूट्यूब है, ठीक है, यूट्यूब है, चौथा इंस्टा, फिर पांचवा जो है वो ट्विटर सबसे कम, ठीक है, ये क्रम आप लोगों को पता हो। तो ये आपको जब सोशल मीडिया की बात आएगी तो एवरीथिंग आपको जान लेना है। आज़ादी का अमृत महोत्सव पता ही है, 75 साल हुआ आज़ादी का, इसलिए मनाया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें इसमें है, PM प्रधानमंत्री के 6 सूत्रीय कार्य योजना चल रही है, विभिन्न योजनाएं भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के बारे में आपको जानना चाहिए, ठीक है। अब उसमें भी जो वैसी योजनाएं जो बिहार से ज़्यादा रिलेटेड है या फिर जो योजनाएं बहुत ज़्यादा सामाजिक और आर्थिक रूप से जैसे इम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी बेरोजगारी दूर करने के संबंधित है, उसके बारे में एक जगह पेटेंट में भी थोड़ा सा संशोधन हुआ है, इसमें संशोधन है, छूट गया है, तो संशोधन अधिनियम जो है उसमें बना है 2021 का, वो देख लीजिए। इसमें ये देखना है कि भी बहुत सारे जो है अभी नियम अधिनियम वगैरह आए हैं, ठीक है, वो बीमा से लेकर आप देखेंगे कि बीमा में है, प्लास्टिक में, फैक्ट्रियंग में है, कराधान, ड्रोन, बहुत सारी आई है अभी, लेकिन इससे क्वेश्चन जो है एक दो हो सकता है बिहार में, ये जो है UPSC में ज़्यादा कारगर है, ठीक है, अधिनियम ये सब बहुत जो है डिफिकल्ट चीज़ है, लेकिन इसमें कोई ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि लगता हो आपको खुद ही इंटरेस्टिंग तो उससे क्वेश्चन हो सकता है, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं हो सकता है। मेरे ख्याल से जो मैंने देखा है ये चैप्टर के आसपास ही आप देखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि इतना ही से आएगा, आप बाकी फैक्ट जो है आपके सामने है वो देखिएगा, मुझे जो लगा वो चैप्टर हमने आपको जस्ट बताया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय में बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन जहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है वो ये है, ठीक है, 100% क्वेश्चन आएगा, स्पेशली जो कि बिहार से जुड़ा हुआ है, दो दो लोग हैं, अवार्ड मिला है, जब अवार्ड मिला है तो दोनों आपको पता है, ठीक है, खेल से संबंधित अवार्ड भी, और पैरालंपिक में इसको पैरा ही लोग पढ़ते हैं, पैरालंपिक पढ़े ओलंपिक टोक्यो, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, नोबेल पुरस्कार में अभी मैं बता रहा था वहाँ से क्वेश्चन आएगा। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ट्रीटी शहर देश महत्व क्या मतलब, कहाँ हुआ है, किस देश में हुआ है, किस शहर में हुआ है, कौन सी ट्रीटी हुई है, ये सब महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, लेकिन जिसमें भारत नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, कोई भी ट्रीटी समझौता क्वेश्चन नहीं आएगा, जिसमें भारत इन्वॉल्व है वही महत्वपूर्ण है, भारत के प्रधानमंत्री गए होंगे, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हुई होगी, महत्वपूर्ण ट्रीटी होगी, वहाँ से क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं आप लोग पढ़ते भारत के विदेश मंत्री यहाँ गए थे, ये मंत्री वहाँ गए थे, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, इसलिए याद भी मत करिएगा, अपना टाइम वेस्ट नहीं करिएगा, बहुत सारा आप लोग पढ़ते होंगे ना, ये वहाँ गया, वो वहाँ गया, कुछ नहीं, प्रधानमंत्री जहाँ गए उसी की बात करता हूँ, बाकी चीज़ें नहीं आएगी क्वेश्चन, पहले याद रखिएगा, सुबह आप फोकस करिएगा उस पर, उसमें भी ऐसा नहीं कि छोटा घाना देश गए थे क्या हुआ, उसका क्वेश्चन नहीं आएगा, वैसे क्वेश्चन से आएगा जिसमें हो सकता है पहली बार भारत के प्रधानमंत्री गए होंगे, क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, पहली बार गए होंगे जिस देश में, ओके। उसी तरीके से देखेंगे कि अगर कोई बहुत सारे चुनाव हुए अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, सरकार बदली होगी, और सरकार बदली होगी अगर पहली बार कोई महिला बनी होगी बहुत महत्वपूर्ण है, अगर कोई पार्टी कंटिन्यू बन रही थी दूसरी पार्टी पलटी होगी तो बहुत महत्वपूर्ण है, और भारत के हिसाब से जो महत्वपूर्ण हो सकता है वहाँ से क्वेश्चन हो सकता है। भारत की बहुत सारी जो है स्पेस में उपलब्धियाँ हुई है उससे क्वेश्चन आएगा। यहाँ जो है लॉन टेनिस का देखना जरूरी है, सिंगल, डबल्स, मिक्स, ये सब क्लियर। क्रिकेट का, हॉकी का वर्ल्ड कप अभी हुआ ना, T20 कौन जीता, ऑस्ट्रेलिया, किसको हराकर, बस इतना ही फैक्ट है ना, इतना से आगे जाना पड़ेगा, ठीक है, पहली बार जीता है वो T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया, पता था,
दो बार कौन जीता है? भारत सेकंड में जीता था, फर्स्ट में जीता था, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को याद रखना है, क्लियर है। आईपीएल हैदराबाद में हुआ था इस बार। ठीक है, मतलब भारत में नहीं हुआ है, ठीक है ना। मैं ऐसे ही आपको जस्ट क्वेश्चन सेटर, ये मैंने एक लिखा है मॉस क्यूरिक्स, ये क्या है? मलेरिया का पहला वैक्सीन है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को याद रखना है, मॉस्किटो से मॉस बना हुआ है, ऐसे भी याद रखना चाहिए मॉस्किटो, ठीक है। इससे संबंधित जितने फैक्ट्स हो सकते हैं वो देखना चाहिए। अफगानिस्तान से संबंधित जितना भी आप लोगों ने फनी फनी वीडियो वगैरह देखा होगा तो याद हो ही गया होगा, तो उससे संबंधित जो है पहले कब हुआ था, कब पलटा, कौन प्रमुख है, तो अफगानिस्तान से संबंधित। भारत की उपलब्धियाँ जो है बहुत सारे, अभी हम लोगों का हाईवे बना है, इलेक्ट्रिक हाईवे बना है, आप देखेंगे टैक्स के बारे में, मेट्रो के बारे में कुछ कुछ हुआ है, अलग अलग कहाँ कहाँ हुआ है, यानी कि आर्थिक क्षेत्र में भारत की उपलब्धियाँ कौन कौन सी रही है वो। लेकिन कभी भी गलती से भारत का जो निगेटिव साइड है ना, जीडीपी घट गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वो सब चीज़ें नहीं आने वाली क्वेश्चन, याद रखिएगा। जो अच्छी अच्छी बातें हैं वही सब क्वेश्चन आता है, ठीक है, ठीक है। तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा, भले आपको माइंड जो है दूसरे साइड हो सकता है। जितने अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड वगैरह है उसमें भारत को अगर मिला है तो वो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। उसी तरह भारत चीन पाकिस्तान ये सब रिलेशन को लेकर, कोविड 19 मैंने वहाँ भी बताया था, इससे संबंधित जितने भी फैक्ट हो सकते हैं, और चुनाव हुए अंतर्राष्ट्रीय देशों में, यदि सत्ता परिवर्तन वगैरह हुआ होगा तो आपको ये फैक्ट याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा ये नहीं रखना है कि चाइना में ये हो गया, चाइना का आर्थिक स्थिति खराब हो गई और फिर क्या क्या हुआ, बहुत सारी घटनाओं, उस सब से कोई मतलब नहीं है बीपीएससी एग्जाम को, ठीक है, ओके। तो बीपीएससी में ये सब फैक्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जहाँ से हो सकते हैं ये मैं शेयर करवा दूंगा, डोंट वरी, लिखने की जरूरत नहीं है। आज ये बिहार का, बिहार में तो बहुत सारा चीज़ें हैं, स्थान स्थल, और वापस जो है जब आप पढ़ेंगे करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल में, फिर से जो है आपको बहुत सारे मैगजीन क्या करेगा, रिव्यू करवाएगा, ये पढ़िए वो पढ़िए, और बिहार स्पेशल के जो बहुत सारे फैक्ट है वो यहाँ पे मिलेगा। काइंडली उसको आप लोग नहीं पढ़िएगा, ठीक है। जब बिहार स्पेशल के लिए अच्छी स्टैंडर्ड किताब पढ़ी जा रही है तो कहीं पर लालच हो जाता है मन में, अरे चार पेज का कुछ और दिख रहा है बिहार का, इधर इधर पढ़ लेते हैं, नहीं पढ़ना, एकदम इग्नोर कर देना है सीधा, ठीक है। जैसे जो फैक्ट मोटी किताब में पढ़ रहे हैं उसी पे आश्रित रहिएगा, उसके अलावा इधर उधर की किताबें मत पढ़िएगा, उससे क्या होगा कि आपको लगेगा कि कुछ नई जानकारी ले ले, ऐसा होगा नहीं। बजट जो है 21-22 का देखिएगा, आर्थिक सर्वे जो है वो आपको देखना है, इसमें जो है बॉक्स में जो जो चीज़ें दी गई है, जैसे बजट में देखेंगे कि 22% जो है वो एजुकेशन पे खर्चा हो रहा है, तो वो आपको देखना है। बिहार की बहुत सारी योजनाएँ हैं, अभी निश्चय 2 पार्ट चल रहा है ना, वो देखना है, जितनी भी योजनाएं वगैरह है, अपने 16 स्ट्रीट लाइट भी अब दिसंबर से शुरू होने वाला है, जो भी बिहार सरकार की योजनाएं हैं उसके एक बार पोर्टल पे जाके जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उसके बारे में लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा। और भारत को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिला है, जैसे पद्मश्री, ओके। बिहारी बिहार के जो है उनको, जिनको जिनको मिला उनका नाम और क्या क्षेत्र में मिला है याद रख लीजिएगा, क्लियर। उसी तरीके से देखिए खेल रत्न अवार्ड या फिर खेल से संबंधित जितने भी अवार्ड है, दूसरे अवार्ड है, बिहारी लोगों को मिला है वो याद रख लेना है। बिहार से संबंधित जिन लोगों को भी अवार्ड मिला है वो याद रख लीजिएगा, जिसमें कि लास्ट टाइम भी आपको बताए थे प्रमोद भगत, हाँ उसका क्वेश्चन आउट है, वो आएगा, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन जो है उसी तरीके से 2011 के जनगणना के आधार पर बिहार की स्थिति जिले के हिसाब से आप लोगों को याद कर लेना है, और महत्वपूर्ण फैक्ट जो बिहार से संबंधित है वो कर लेना है, और लास्ट में जो लिखा हुआ है वो ऑलवेज हमारा आपके साथ है, ठीक है, ऑल द बेस्ट, ठीक है। तो ये पूरे फैक्ट्स हैं जो मैंने आपको बहुत ब्रीफली आप लोगों को बताए, उसके हिसाब से पढ़िएगा, कोई क्वेरी है तो मत पूछिए, इससे इसके बाद आप लोगों का टेस्ट ही है कि नहीं। नहीं, चाइना से तो केवल वहाँ से, उससे बहुत महत्वपूर्ण है कि आरटीपीसीआर के बाद जो कोविशील्ड कोवैक्सीन ये मेन प्रिवेंटिव जो चीज़ें आई है उस पर ध्यान देना, ठीक। अब मान लें लिख देगा कोवैक्सीन जो है सो 90 दिन में लगता है, नहीं 28 दिन का है वो, अभी भी उसमें चेंज नहीं हुआ, कोविशील्ड का अलग चेंज हुआ,
प्रोटोकॉल चेंज हुआ, तो वो सब, ये नहीं कि चाइना में ये हुआ, वुहान में ये, वो सब नथिंग। आपको मेन फैक्ट ध्यान रखना है, उसके बाद आर्थिक स्थिति में बहुत सारे आर्थिक पैकेजेज वगैरह हुआ, वो सब देखना है, ठीक है, उसको आपको देखना है, इसके अलावा कुछ नहीं देखना है। और कोई क्वेश्चन वगैरह है आप लोगों का? देखिए आप तीन पढ़े हैं ना, देखिए जैसे तीन आपने पढ़ा है तो तीनों में आप क्या करिए कि एक को बेस बनाना पड़ेगा, जिसमें आपको सबसे अच्छा लगता है वो, उसको फिर से एक बार रीडिंग डालिए, फिर से करिए और उसमें के सारा फैक्ट याद करिए। उसके बाद दूसरा जो आपका है, जैसे मंथन भी पढ़ रहे हैं, उसके बाद प्रतिभा दर्पण भी पढ़ रहे हैं, तो क्रॉनिकल को अगर आपने बेस बनाया है तो उसमें जो नए फैक्ट आ रहे हैं, नए फैक्ट, उसको जो है आप यहाँ पे रिप्लेस कर लीजिए, लिख लीजिए अपने हाथ से और उस सबको फिर साइड कर दीजिए, हो गया ख़त्म। तो एक जगह आपको रीडिंग और रिविजन करने में आसानी होगा, यही इसका सही तरीका है। अदरवाइज जो है तीनों पढ़े होंगे, तीनों जगह टिक लगा कर रखे होंगे, तो उससे फ़ायदा नहीं होगा, आप बहुत उलझ भी जाएंगे और आपको फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। नोट्स नहीं बनाना है करेंट का, टाइम किलिंग है, वहीं से सीधे पढ़ना है, वहीं से याद करके निकल जाना है, टाइम किल होगा, नोट्स नहीं बनाना है। और बहुत सारे कोचिंग क्लासेज के करेंट वगैरह के नहीं पढ़िएगा, जो मैंने बताया उससे ज़्यादा नहीं पढ़िएगा अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो, ठीक है। और कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई क्वेरी? बिहार के लिए जो मैंने पिछली बार ही बताए थे कि तीन मैगजीन्स जो है वो है, एक इम्तियाज सर की है, क्रॉनिकल ये क्राउन पब्लिकेशन की है, और केबीसी नैनो की किताब है, केबीसी नैनो पढ़ सकते हैं, क्राउन पढ़ सकते हैं, इम्तियाज अहमद सर की किताब पढ़ सकते हैं, तीन। बट तीनों को मैंने पिछली बार भी रिपीट किया था कि इसको आप लोगों को एक्सचेंज करके पढ़ना चाहिए। करेंट में भी मैं यही बोलूँगा कि आपको दो तीन मैगजीन पर जाना पड़ेगा और एक्सचेंज करना पड़ेगा, पहले एक एक लोग बेस मान ले, उसको पढ़ ले, खूब अच्छे से याद करे, डिस्कशन करे, फिर दूसरे मैगजीन पे जाए, एक्सचेंज करके पढ़ेंगे तो अच्छा है। दूसरा है, अभी जो समय है उसमें जितना ज़्यादा आप ग्रुपिंग पीयर लर्निंग करेंगे उतना आपके रिजल्ट के चांसेज बनेंगे। अभी का समय है दो तरह की चीज़ें, एक तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है और दूसरी चीज़ें है कि हम एकांगी होकर पढ़ते हैं, हमारा पीटी दो बार से हो रहा है, तीसरी बार नहीं भी होगा पीटी, क्योंकि हम जितने कमरे में बंद होकर पढ़ाई करेंगे उतने रिजल्ट के चांसेज घटता जाएगा। आप याद रखिएगा, जितना ज़्यादा आप पीयर लर्निंग ग्रुप स्टडी करेंगे आपके रिजल्ट के चांसेस बढ़ेंगे और आपके साथ वाले सबका रिजल्ट होगा प्रीलिम्स में। इसीलिए अभी भी ये नहीं समझना है कि अब बचा हुआ दो महीना तब तो और रूम में बंद, नहीं नहीं एकदम नहीं बंद। आपको अगर अपने खुद से अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो मैं तो ये मानता हूँ कि आपके एग्जाम के एक दिन पहले तक जो है पीयर लर्निंग करना चाहिए, कल एग्जाम देने आज कर सकते हैं। इसके लिए आप कितना भी चाहेंगे कि अकेले बैठ के बहुत सारी चीज़ें कर ले, नहीं होता है। माइंड क्लियर करने के लिए, याद करने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि आपको पीयर लर्निंग में जाना पड़ेगा, ठीक है ना, क्लियर है? और कुछ जानना है? शिखा कुमारी कौन है? चलिए कंग्रेचुलेशन इनके। अरे पैर नहीं छूना, ऐसे ही आशीर्वाद है सबको, ठीक है मेरे। इस तरह से नेक्स्ट टाइम आप में से कोई लेना चाहते हैं तो सबसे हाई स्कोरर बनना पड़ेगा, ठीक से 111 आया था 150 में से, इसलिए उनको सेलिब्रेशन दिया गया, अंदर में क्या है बता दिए। जो इनके फ्रेंड हैं वही लोग खा पाएंगे, बाकी लोगों को नहीं मिल पाएगा। ट्राई रहेगी नेक्स्ट टाइम से हम फर्स्ट थ्री को देंगे, अब तो थ्री में आने की कोशिश करिए, ठीक है। और निराश नहीं होना है, जिनका 60 भी आता है तो भी निराश नहीं होना है, लेकिन जो मैंने पैटर्न बताए हैं उस पैटर्न से पढ़ना है, अपने पास नॉलेज का लेवल को स्ट्रॉन्ग करना है, जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं उनके साथ दोस्ती यारी रखनी है, ठीक है। अभी हम दो तीन दिन फिर मिलेंगे, जैसे बीच में छुट्टी का मिलता है तो, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट।